है. वेलकम बैक. आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली. मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली स्पोकन का डिमांड है, रिटन का डिमांड है, ट्रांसलेशन का डिमांड है. आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह से हर चीज़ को आप शेयर कर रहे हो. और आप मुझसे डिमांड करो सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मैं एक एक करके सब पढ़ा दूंगा आपको. बस करना ये है कि आप अपने साथ साथ उन सारे बच्चों को भी दीजिए जिनको आप सकता हो. यहाँ बच्चे मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले एक बच्चों ने पूछा है कि सर प्रेफर का रियल यूज क्या है, प्रेफर को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, सर प्रेफर को कैसे लिखेंगे. तो सर वो लिखना सिखा दीजिए, सर वो बोलना सिखा दीजिए, मैं वो सिखाता हूँ आज आपको. किसका प्रयोग? प्रेफर का. राइट, देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले यहाँ पे देखो बाबू कि प्रेफर वर्ड का यूज कहां करते हैं. राइट, प्रेफर के लिए काम करना कि जैसे जब भी तुम कुछ बोलो किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा पसंद करते हो, जो मन करता है बोलो. जैसे तुम्हें कहना है मैं दूध से अधिक दही पसंद करता हूं, मैं बस से अधिक ट्रेन पसंद करता हूं, वह सोने से अधिक पढ़ना पसंद करता है, वह खेलने से अधिक पढ़ना पसंद करता है, वह हंसने से अधिक रोना पसंद करता है. तो जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो वहां पर आप प्रेफर का यूज कर सकते हो. राइट, तो हमने कहा जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं उसके लिए प्रेफर का यूज कर सकते हैं. तुम बोल सकते हो कि पढ़ने से अधिक लिखना पसंद करता हूं, खाने से अधिक रोना पसंद करता है, पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करता है. तो व्हाट एवर कम्स योर माइंड, तुम बोलो अंग्रेजी, लिखो अंग्रेजी, सोचो अंग्रेजी में. क्योंकि जब तक अंग्रेजी का स्ट्रक्चर नहीं आएगा बोलना नहीं आएगा. देखते हैं कैसे करके हम लोग. हमने यहां पर कहा बेटा, समझना गौर से, कि सब्जेक्ट प्लस हमने यहां पर लिखा प्रेफर, हमने यहां पर लिख दिया प्रेफर, यहां पर कर दिया हमने प्रेफर्स, प्रेफर या प्रेफर्स, प्रेजेंट टेंस की बात होगी. अगर हम लिखेंगे पास्ट तो प्रेफर्ड कर देंगे. तो प्रेफर के बाद सीधा नाउन लगाना, जिस नाउन जिस चीज को तुम अधिक पसंद करते हो उसको पहले कर देना. तो प्रेफर के बाद टू लगाना, इसके बाद फिर से नाउन लगा देना. ध्यान रहे इस मिस्टेक क्या होता है, यहां पे टी एच ए एन देन का प्रयोग नहीं करना. एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके एसएससी सीपीओ में, जैसे मान लो ये तुम्हारा फाइनल बन के हो गया स्ट्रक्चर, तो देन का प्रयोग करना गलत होगा, टू लगाएंगे. जैसे एग्जाम्पल बोला हमने कि ही प्रेफर्स, ही प्रेफर्स टी, ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, ही प्रेफर्स टी देन कॉफी. अब जा देखो बेटा यह सेंटेंस गलत हो गया, यहां देन का प्रयोग नहीं करेंगे. तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी. तो इसका मतलब हुआ कि वह पसंद करता है चाय से अधिक कॉफी, यानी कॉफी से अधिक चाय पसंद. ही प्रेफर्स टी, वो टी प्रेफर करता है किसके तुलना में, कॉफी की तुलना में, यानी चाय उसे ज्यादा पसंद है. तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो. जैसे तुम बोल सकते हो कि माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया माई फादर, माई फादर, माई फादर सिंगुलर, तो माई फादर प्रेफर्स, माय फादर प्रेफर्स. अब यहां पे तो बोलना है कि बस से अधिक ट्रेन पसंद करते हैं, तो जिस चीज को अधिक पसंद करते हैं उसको लिखना है पहले. तो माय फादर प्रेफर्स ट्रेन, अब ट्रेन देन करो गलत हो जाएगा, तो माय फादर प्रेफर्स ट्रेन टू बस. ठीक है बाबू, तो माय फादर प्रेफर्स ट्रेन टू बस, माय फादर माई फादर प्रेफर्स बस टू ट्रेन. तो जिस चीज को अधिक पसंद करोगे उसको यहां पर लिखना है. तो हमने क्या कहा ये ध्यान दो, हमने मैं बस मेरे साथ बोलो अंग्रेजी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर राइस टू ब्रेड, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर बुक टू कॉपी, आई प्रेफर मैन टू वुमेन. तो जिस चीज को आप अधिक पसंद करते हो उसको यहां पर रखना है. जितना अंग्रेजी बोलना चाहो आप बोल सकते हो. अब यहां पर प्रेफर के बदले हम कर दिए पास्ट, तो पास्ट टेंस कर देंगे तो हो जाएगा पसंद करता था, मैं बस से अधिक ट्रेन पसंद करता था, तो आई प्रेफर्ड बस टू ट्रेन, आई प्रेफर्ड ट्रेन टू बस, आई प्रेफर्ड कॉफी टू टी, आई प्रेफर्ड टी टू कॉफी, है ना. प्रिया प्रेफर्ड लिमका टू पेप्सी. क्लियर, तो जितना चाहो उतना बोल सकते हो हिंदी में. मैं बस से अधिक ट्रेन पसंद करता हूं, आई प्रेफर ट्रेन टू बस,
मैं रोटी से अधिक दही पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर ब्रेड टू कर्ड। मैं दूध से अधिक दही पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर कर्ड टू मिल्क, मिल्क टू कर्ड। तो वाट एवर कम्स योर माइंड यू आर एबल टू स्पीक, जो चाहो बोलो अंग्रेजी में, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना। यहाँ पे हमने नाउन की बात करी, नाउन का तुलना नाउन से होगा। अगर यहाँ पे वर्ब की बात करें तो स्ट्रक्चर नंबर टू को जरा ध्यान से देखिए और बनाइए अंग्रेजी कैसे हो सकता है आपके लिए। बहुत ही आसान, प्रेफर से बोलना है, बस देन नहीं लगाना है। यहाँ ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस हमें लगाया प्रेफर, यहाँ पे हमने कर दिया प्रेफर्स, प्रेफर्स प्लस अब यहां पे वर्ब लगाना है। तो ध्यान रहे बेटा क्या क्या हो सकता है, वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब। अब यहां खास ध्यान रखना है कि वर्ब किस रूप में होगा। ध्यान रहे प्रेफर के बाद हमेशा नाउन ही होना है, इस वर्ब को नाउन बनना पड़ेगा, इस वर्ब को नाउन बनना पड़ेगा। अब नाउन क्या बनाए, तो वी वन प्लस आई एन जी, यानी कि वी फोर कह सकते हो, वी फोर कह सकते हो, इस वी फोर को हम आई एन जी कहते हैं। अगर इस वी फोर के बदला में आपने वी वन वी टू वी थ्री वी फाइव लगा दिया तो ऐसा लगाना गलत हो जाएगा। अब कैसे बाबू, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बोला कि वह पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करता है। देख रहे हो, ये राइटिंग का पार्ट है, ट्रांसलेशन का पार्ट है, ये मैक्सिमम बच्चे को नहीं समझ पाते कैसे बोलना है। आप उन सारे बच्चों की मदद करिए ना, सारे बच्चों को आप देखिए, सारे बच्चों को दिखाइए और शेयर करिए पूरे भारत में, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो जाए और सीख पाए अंग्रेजी। वह पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करता है, यानी खेलना वो अधिक पसंद कर रहा है। स्ट्रक्चर ही तुम्हारे पास है, चूंकि यहाँ पढ़ना भी वर्ब है और खेलना भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब हो गया, पसंद करना हो गया, प्रेफर तुम्हारे पास। तो हमने क्या कहा, वह पढ़ने से अधिक ही, अब यहां पे क्या लगाएं, ही है तो प्रेफर्स आ जाएगा, तो ही प्रेफर्स। अब क्या अधिक पसंद कर रहा, खेलना, तो ही प्रेफर्स प्ले। अब प्ले के साथ देन लगाऊं, ना ना, हमेशा क्या लगाना, टू लगाना, तो ही प्रेफर्स प्ले टू प्ले की प्लेइंग, बिफोर ना बाबू, हाँ हमेशा बोलना, मेरे को गलती नहीं करना कभी, तो प्लेइंग, राइट। अभी तुम चुपचाप देख रहे थे ना, तो प्लेइंग, अब प्लेइंग के बाद देन लगाऊं, टू लगाऊं, तो प्लेइंग टू, क्या बाबू, रीडिंग, तो ही प्रेफर्स प्लेइंग टू रीडिंग। बात समझ आ गया, ही प्रेफर्स प्लेइंग टू रीडिंग। बिल्कुल, आप कहते हो सर हिंदी थोड़ा लिख दीजिएगा, मैं इसलिए हिंदी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। मेरा कहना है एक चीज सीखो, लेकिन परफेक्ट सीखो कि आखिर प्रेफर का यूज कहां करते हैं। जैसे तुम्हें बोलना है कि, और बड़े से देखो, लता लता खेलने से अधिक सोना पसंद करती है, राइट। लता खेलने से अधिक सोना पसंद करती है, यानी सोना अधिक पसंद करती है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लता प्रेफर्स, लता प्रेफर्स क्या बाबू, सोना, तो सोना क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब यहां पे अगर हम करते हैं स्लीप तो गलत हो जाएगा, तो लता प्रेफर स्लीपिंग टू खेलना का प्लेइंग। अब मान लो तुमने इसको बना दिया कि लता प्रेफर्स प्ले टू प्ले, स्लीप टू प्ले, गलत हो जाएगा। तो यहां पे कुछ भी करोगे, हां आप इसको पास्ट कर सकते हो कि लता खेलने से अधिक सोना पसंद करती थी, क्या कर दिया, थी, तो यहां तुम कर दो लता प्रेफर्ड। अगर पास्ट बोलना चाहते हो तो लता प्रेफर्ड स्लीपिंग टू प्लेइंग, राइट। तुम्हें बोलना है मैं लिखने से अधिक पढ़ना पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर है ना, लिखने से अधिक पढ़ना, तो आई प्रेफर पढ़ना का रीडिंग टू राइटिंग, तो आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, क्लियर। मैं पढ़ने से अधिक सिनेमा देखना पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर वॉचिंग मूवी, आई प्रेफर वॉचिंग मूवी टू
रीडिंग। यहाँ पे कभी बेटा देन का प्रयोग बच्चे मत करना, एक कॉमन एरर हो जाएगा। तो यह एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइटिंग स्किल्स में भी आता है, और स्पीकिंग थोड़ा धड़ल्ले से करो, जितना मन करे बोलो ना अंग्रेजी में, जो मन करता है बस भर बोलना, तो आईएनजी बोलना और नहीं तो फिर नाउन बोलना, यानी फाइनल तुम बात कर सकते हो इस तरह से जो आप देखने का प्रयास करें। यानी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा हम लोगों का कि सब्जेक्ट प्लस प्रेफर या प्रेफर्स प्लस नाउन लगाएं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएं, प्लस टू प्लस नाउन या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बच गया जो अदर वर्ड में डाल दें। अब नाउन भी हो सकता है, वी फोर भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वी फोर हो सकता है, यहां प्रेफर के बदले प्रेफर्ड भी हम कर सकते हैं। बोलो बच्चे, कोई आपत्ति यहां तक? नहीं ना। इस तरह से हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और इजी वे में राइटिंग स्पीकिंग कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, कि अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करना चाहते हो, एक तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो बस पता है क्या करना है, अब आप अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो मेरा क्लास, सिस्टमेटिक क्लास। करना क्या है, तो आप जाइए गूगल पे www.dslenglish.com डालिए और डाल करके सारे क्लास सिस्टमेटिक मिल जाएगा। मामूली फीस में आप बेसिक टू एडवांस क्लास कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और पूरे इंडिया में इसे शेयर करिए, हर बच्चा सीखे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच।